श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः। जय का फोन आया था, उसने बताया विपुल भैया ने खेत की दीदी को अपना लिया, उन दोनों में समझौता हो गया बुआ। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो अब तुम्हारे मम्मी पापा की चिंता दूर हो गई। हाँ बुआ, खेत की दीदी के डिवोर्स की बात को लेकर मम्मी पापा बहुत परेशान थे। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है, खेत की दीदी की जिंदगी में खुशियां यूं ही बरकरार रहे। बेटा, ये तो केतकी के अच्छे कर्मों का फल है। मैं भी भगवान से एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ये बेटी, जो दूसरों के दुखों से दुखी हो जाती है और जिसने हमेशा इस घर की खुशियां चाही हैं, उसकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आए। बुआ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया, तो वो मेरे साथ बुरा क्यों करेगा। हाँ बेटा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के दिन आ जाएंगे। मानसी, इंसान जिंदगी में दूसरों से कुछ ना कुछ सीखता है। मैंने भी तुमसे एक बात सीखी है, जीवन को आशाओं के साथ जीना चाहिए। बुआ, मैंने भी इस घर में ये बात सीखी है, अपनों का विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। अब इसी विश्वास पर जिंदगी जीने की राह मिल गई मुझे। या नो 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 ये ओके 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 थैंक। एक्सक्यूज मी, ये कैन आई गेट द कीज ऑफ रूम नंबर 304? सॉरी सर, रूम नंबर 304 ऑलरेडी बुक हो चुका है। क्या इस वक्त वहाँ पर कोई है? नहीं सर, इस समय तो वहाँ कोई नहीं है, लेकिन जिन्होंने रूम बुक करवाया है शाम तक वो आने वाले हैं। शाम को कितने बजे तक? यही कोई 7-7:30 तक। आप मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अगर वो रूम मुझे शाम को 6 बजे तक मिल जाए तो अनिल सर, रिक्वेस्ट प्लीज प्लीज। लेकिन शाम 6 बजे तक। या यार, श्योर, थैंक यू सो मच। केतकी,
क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, पर गलतियां इंसानों से ही होती है केतकी, और मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। देखो केतकी, अगर तुम इसी तरह चुप रही तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, मैं जानता हूं कि सारा दोष मेरा ही है। जो भी हुआ उसमें किसी का कोई दोष नहीं था, जो हमारी किस्मत में लिखा था हो गया, इसमें अपने आप को दोषी नहीं समझना चाहिए। नहीं केतकी, मैं जानता हूं कि सारा दोष मेरा है, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। I'm sorry। रुपी, जब तुम्हारी गलती नहीं है तो माफी किस बात की मांग रहे हो? देखो केतकी, अगर तुम इससे तरह बात करोगी तो मुझे लगेगा कि तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ठीक है बाबा, माफ कर दिया बस। जे, आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, केतकी दीदी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। केतकी दीदी और विपुल भैया बहुत खुश होंगे, है ना जय? जय, क्या बात है जय, तुम घबराए हुए क्यों? क्या बात है? मैं अहमदाबाद जाकर आया। क्या हुआ फिर, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? बताओ ना जय। तुम परेशान क्यों हो? मानसी, जो हुआ वो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या हुआ बोलो ना जय। परेशानी जानोगी तो इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा तुम्हारा। बताओ तो सही। मानसी, जब मैं वहां गया तो मुझे पुरानी बातें याद आई। क्या कहना चाहती है? कैसे हो तुम यश? मैं ठीक हूं। चाय पियोगे? नहीं। कॉफी लेकर आओ? नो। कोल्ड ड्रिंक? नो प्रिया। प्रिया, तुमने फोन किया था, कुछ काम था?
हाँ यश, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो प्लीज मेरी बात का। प्रिया, क्या फिर से कोई नाटक करना? नहीं यश, ऐसी कोई बात नहीं है यश। वो एक्चुअली कई दिनों से मैं कुछ फील कर रही थी, वही मैं तुमसे कहना चाहती थी। यश, आई एम इन लव विथ यू, आई स्वेर, आई मीन इट। प्लीज मेरी बात का यकीन करो यश, मैं सच कह रही हूं। ओके, एनीथिंग एल्स? बाय प्रिया। क्या बात है, जय और मानसी अभी तक आए क्यों नहीं? नाश्ता ठंडा हो रहा है और वो दोनों अंदर कमरे में क्या कर रहे हैं? नेहा बेटी, जाकर देखो तो सही बेटा कि वो दोनों आए क्यों नहीं। अभी देखती हूँ दादी। बेटी, ये सामान लेकर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मम्मी, मैं कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। क्या हुआ, यूं अचानक? जय ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी। फिर क्या बात है? बस यूं ही उन लोगों से मिलने को मन कर रहा है। लेकिन बेटा, इस हालत में तुम्हें अकेले सफर करना ठीक नहीं है। मम्मी, मैं मानसी को छोड़ने जा रहा हूं। मैं चलती हूं। जय और मानसी का यूं अचानक चले जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अभी अभी तो जय अहमदाबाद से आया और अचानक यूं मानसी का जाना, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ तुम ये वेफर्स क्यों खिला रही हो, जलेबी फाफड़े क्यों नहीं मांगे? एक बार रक्षित और मैंने खाया था, बहुत। हाँ। पता है भाभी, श्यामा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? भाभी, भाभी दरअसल मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। I'm sorry, भाभी। श्यामा, माफी किस बात की? मैंने आपके साथ बहुत गलत किया भाभी। केके के प्यार में अंधी हो गई थी मैं, उसके फरेब को प्यार समझ बैठी थी। मैंने आपको कितना भला बुरा सुनाया भाभी, मगर आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। सॉरी भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्षमा, तुमने जो कुछ भी किया जानबूझ के तो नहीं किया ना, अनजाने में किया। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया ना भाभी? भैया, मैं एक बार केके से मिलना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे उससे मिलवा देंगे?
अब के किसे मिलकर क्या करेगी पगली? अभी भी कल्मिनेशन बाकी है भैया, प्लीज भैया। नहीं श्यामा, अभी कुछ भी बाकी नहीं भैया, प्लीज सिर्फ एक बार, प्लीज भैया। ठीक है, कम इन। कम इन बाबा। हेलो अदिति, जस्ट वन मिनट। बैठो ना तुम, बैठो बैठो। अरे बैठो ना अदिति, अदिति तुम मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ, डोंट बी अनकंफर्टेबल अदिति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, जिस तरह से तुम्हें पहचान नहीं सका, तुम्हें पहली बार देखा तभी पहचान लेना चाहिए था। खाओ ना। पता है अदिति, लेकिन तुम तो जानती हो शराब के नशे में मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, किसके साथ उठता बैठता हूँ। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, मुझे सब कुछ ध्यान आ गया। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं हमेशा अपने साथ पानी रखता हूँ, जब भी घर से बाहर जाता हूँ ना, ये लो। अपने अपने हाथों से। और पियो ना, बस थोड़ा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था दीदी, आई एम वेरी सॉरी, I'm really sorry. लेकिन अब मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूं, सिर्फ तुम्हारे पास। मैं जानता हूं कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा, पापा मम्मी के सामने, पूरे घर वालों के सामने, मैंने सबके सामने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। खाओ ना तुम खाती रहो, मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूं। मुझे भूख नहीं। अच्छा सुनो, अगर अच्छा तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दोगे, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा, सीरियसली प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है। तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ। अरे तुम्हें पसीना क्यों आ रहा दीदी? चलो कमरे में चलते हैं, हमारे कमरे में चलते हैं। जय, मुझे किचन में जरा काम है। हाँ तो काम खत्म करके आओ ना, मैं रूम में हूँ, लेकिन जल्दी आना, हमारा इंतजार कर रहा हूँ।